कांग्रेस 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज अम्बाला कैंट कांग्रेस भवन कार्यालय में प्रवेशक संगठ नामक बैठक लेने पहुंचे, लेकिन अन्य जिलों जैसी तस्वीरें अम्बाला में भी देखने को मिली और हुड्डा व शैलजा गुट के कार्यकर्ताओं ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने अपने नेताओं की नारेबाजी कर अपनी अपनी ताकतें दिखाई। वहीं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे प्रवेशक शाबिर खान ने गुटबाजी करने से इनकार किया और कहा कि सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं के लिए जोश दिखा रहे हैं। मैं अम्बाला केवल जो है कांग्रेस का संगठन का फीडबैक ले, हाँ फॉर्म जो भी देगा, छोटे से छोटे कार्यकर्ता चाहे वो छोटे कितना बड़ा कार्यकर्ता, वो अपना आवेदन करे कि वो ओबीसी में बनना चाहता है, एससी सेल में बनना चाहता है, एससी सेल में बनना चाहता है, जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है, जिस किसी का भी पूरे रास्ता इस क्षेत्र का, उनका फॉर्म लूँगा और वो फॉर्म के लिए भेजूँगा। नाम तो नहीं, मैं मीटिंग में आपने पूछना पूछा, आज मीटिंग हुई है सर, इसमें क्या मीटिंग में क्या रहा? अभी मीटिंग चल रही है, हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं, सभी कार्यकर्ता उनसे मिल गए और आज का दिन रखा था, शाम तक वो मिलेंगे। तो क्या फॉर्म दिए जा रहे हैं? क्या फॉर्म दिए जा रहे हैं? हर एक कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहा है और ये अम्बाला है, अम्बाला कुमारी शैलजा जी का लोकसभा रही, दो बार हो रही, यहाँ से एम पी रही है, मंत्री रही है, सभी की एक राय है वर्करों की कि जो वो फैसला लेंगी वो सभी को सहमत है। कुछ उद्योग ग्रुप के भी यूटिंग कर रहे हैं लगातार, कुछ हाथापाई तक की भी नौबतारी है? नहीं, ऐसा हाथापाई मेरे सामने तो हुई नहीं है, मैं तो नौबतारी नहीं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे शैलजा जी का वर्चस्व है, उनका एरिया है, हर एक वर्कर को पर्सनली वो जानती है, तो नेता जो फैसला लेंगे सभी को मंजूर है। हंगामा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है, क्योंकि जो संगठन बनने के तरफ हरियाणा प्रदेश के हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, उनके साथ दो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, वो हर कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और नारे तो अपने अपने नेता के नाता ही है, कोई मुर्दाबाद की नहीं लगा रहा किसी को नारे, ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है संगठन को लेकर भी और पार्टी के आगे जो इलेक्शन आएंगे उसको लेकर भी पार्टी में उत्साह है और पार्टी संगठित है, सब एक हैं। डबल मीनिंग क्यों हो पा रही है, एक तरफ शैलजा, एक तरफ हुड्डा? डबल नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि अपने आप नेता हर आदमी का अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, हमारा नेतृत्व सबका एक है, कोई किसी का समर्थक हो सकता है, कोई दूसरे नेता का समर्थक हो सकता है, ये स्वाभाविक है, नेतृत्व पार्टियों सब मल्टी पार्टियों होता है। हर जगह कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हो रहा है और दुनिया देख रही है, तो किस तरह से सरकार बना पाएंगी कांग्रेस? मैं तो ये कह रहा हूँ हंगामा नहीं है, कार्यकर्ता उत्साह है, या तो कोई किसी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हो तो आप कहो भी किसी के गुटबाजी है, अपने अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जिंदाबाद का मतलब है सभी कार्यकर्ता, नेता चुनाव मान सकते हो? नहीं नहीं, सभी कार्यकर्ता चुनाव के समय एक हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं, पहले भी आपने देखा है, टिकट किसी को मिले, कार्यकर्ता तो पार्टी के हैं,